દેવ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા યુવિન એપ્લિકેશન અનાવરણ લોન્ચ કરવામાં આવશે। દેવ જિલ્લામાં હવેથી સગર્ભા માતા અને બાળકોને મળનાર રસીકરણ અને અન્ય સેવાઓ ડિજિટલ માધ્યમથી સંગ્રહિત કરવામાં આવશે। લાભાર્થી પોતે મળેલ રસીકરણ સર્ટિફિકેટ કોઈ પણ જગ્યાએથી લિંક વતી ડાઉનલોડ કરી શકાશે। भारत सरकार द्वारा माता रसीकरण और बाळ रसीकरण ने डिजिटली करवा माटे प्रथम चरण में संपूर्ण भारतवर्ष में 65 जिला ने युविन एप्लिकेशन अनावरण लॉन्च माटे नक्की करवामां आवेल छे, जेमां दीव जिला की पसंदगी करवामां आवे छे। संघ प्रदेश प्रशासन दादरा और नगर हवेली तेमज दमण और दीव द्वारा सरकारी हॉस्पिटल दीव खाते तारीख 1 फेब्रुआरी 2023 रोज रसीकरण प्रोग्राम अंतर्गत युविन एप्लिकेशन ने दीव जिला कलेक्टर फॉर्मर ब्रह्मा मार्गदर्शन हेठ आरोग्य विभाग द्वारा दीव द्वारा अनावरण लॉन्च करवामां आव्युं हतुं, जेमां इन्चार्ज आरोग्य अधिकारी डॉक्टर जिलाणी अने दीव हॉस्पिटलना इन्चार्ज डॉक्टर अजय शर्मा तेमज हॉस्पिटल स्टाफ हाजर रह्या हता। युविन एप्लिकेशन वती सगर्भा माता अने बाळकोने मळनार रसीकरण अने अन्य सेवाओ आजरोजथी डिजिटल माध्यमथी संग्रहित करवामां आवशे। आ साथे आ प्रसंगे इन्चार्ज आरोग्य अधिकारी डॉक्टर जिलाणी अने दीव सरकारी हॉस्पिटलना इन्चार्ज डॉक्टर शर्मा द्वारा प्रशासन वती दीव जिल्लाना तमाम लोकोने अपील करवामां आवी हती कि दरेक बाळकोए राष्ट्रीय रसीकरण पत्रक मुजब उमर मुजब जन्म समय 1.5 महीने अने 2.5 महीने 3.5 महीने 9 महीने 1.5 वर्षे 5 वर्षे अने 10 वर्षे अने 16 वर्षे रसीकरण ले अने सगर्भा माताने TDનું रसीकरण समयसर जरूर मुकावे। आज हम जो है ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर सर और ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से आज हमने एक पोर्टल पे जो है रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है हमारी स्पेशली वैक्सीनेशन की जो हम जो बच्चों को देते हैं और मदर को देते हैं उसको हमने रियल टाइम में पोर्टल में अपडेट करने के लिए पोर्टल अभी नया पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्ट हुआ है जो मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है जिसको हम यू विन बोलते हैं। यू इज बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारा था उसको अब जो हमारा रूटीन प्रोग्राम था यूनिवर्सल उसको हम लोग पहले हम लोग जैसे मंथली बेसिस पे कंट्रोल करते हैं अब उसको हम रियल टाइम में उसको हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें हम जैसे बच्चा हुआ तो बच्चे की जो है इन्फॉर्मेशन की उसको क्या क्या हमने वैक्सीन दिया किस टाइम पर वैक्सीन दिया वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी। और ये जो प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री का जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली जो पोर्टल है ये अभी ओनली 65 डिस्ट्रिक्ट में भी लॉन्च किया गया। ये पायलट उनका प्रोग्राम है जिसमें देखेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद वो पूरे फिर फेसेस वाइज में दूसरी स्टेट में भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उसको लॉन्च करेंगे। और अभी थोड़ी सी टेक्निकल थोड़ी सी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से थोड़े दिनों में वो भी सॉल्व हो जाएगी। और हम जैसे हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट को इसमें चूज़ किया गया है खुशी की बात है कि हमारा सिलवासा भी है उसमें और DNH भी है और दमन भी है और दीप भी है तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हुआ प्रोग्राम आज के दिन ही। तो एज मिनिस्टर की जैसे मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन थी कि हमें 1 फरवरी 2023 में करना तो आज हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। और आज से आपने देखा प्रोग्राम को हमने जितनी भी बच्चों का जो भी बच्चे डिलीवरी हुए उनकी पूरी जो इतनी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल था वो हमने आज उनको पोर्टल में रियल टाइम में उनको अपलोड किया है। और इससे ये फ़ायदा होगा इसको बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इससे ये अदर जो हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर है उससे भी लिंक किया जाएगा जैसे कि कोविड का जो हमारा कोविन है उससे भी कर सकते हैं RCH में भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस लिंक की इस सॉफ्टवेयर की और इस ऐप के कि इससे हम कोई भी इंसान जिसको अगर अपना अपने बच्चे का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है जो यूजली जाके मैनुअल जाता था निकलवाता था वो टाइम खत्म हो गया वो अपने खुद अपने नंबर से मोबाइल नंबर से कभी भी जब चाहे वो अपने अपनी फैमिली का अपने बच्चे का कभी भी वो इसको इम्यूनाइजेशन जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कभी भी अपलोड कर सकता है उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अब जो है हर चीज़ को रियल टाइम में अपलोड करेंगे जब भी होगी और लोगों को भी इजी हो जाएगा कि कभी भी उसको हमारे लिए आने हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं बड़ी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है अगर कभी भी सर्टिफिकेट चाहिए तो खुद ऐप में जाकर और उसको उस पोर्टल में जाकर उसको उसकी कॉपी निकाल सकता है आराम से। मीनाक्षी गढ़वी साथे लाइव 24 न्यूज़ दीव।